बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हुवै परमगत मेरी जगन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो ज्यों बुलावै त्यों बोलना स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जाओ प्रभु की अत प्यारी परम सत्कार योग दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत संसार दे सांझे रहिबर जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीयां दी कृपा मेहर रहमत वरसही है। कलयुग दे समय दे विच सतगुरां दे पवित्र चरण शरण दा मिल जाना सतगुरां दी अमृतमयी बाणी पढ़ना सुनन दा सुभाग प्राप्त हो जाना गुरबाणी दी कथा विचार सुनन दा विचारन दा सुभाग प्राप्त हो जाना सात संगत यह बहुत उत्तम भागां दी निशानी है जी। सतगुरु ने कृपा की आओ इस अमोलक समय नू और सवासा नू संभालण दा जतन करिए मनोवृत्तियां नू करिए एकागर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश फतेह दी सांझ पाईए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी कृपा सदका सुखमनी साहिब दी ग्यारहवीं अष्टपदी दी विचार चल रही है कृपा हुई सतगुरां दी छे पदे सतगुरां दी कृपा सदका विचारे गए आओ इस तों अगे सतगुरां दी अमृतमयी बाणी दी विचार दे नाल जुड़न दा जतन करिए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ कबू होए पंडित करे वख्यान कबू कहंदे कदे भाई पंडित पंडित दा अर्थ है विद्वान कहंदे विद्वान बन के विद्वान होके कहते विचारण करता विचार का व्याख्यान करता है कथन करता है क्योंकि ये जीव जीव की हालत सतगुरु दसते ने इस अष्टपदी दे विच कहते कहू वह वड राजा कहू भिखारी नीच का साजा कहू अपकीर्त मैं आवै कहू भला भला कहावै। हुण इत्थे सतगुरु कहते ने कहते कबू होए पंडित करे वख्यान कहते कदे भाई विद्वान बन के बड़िया उच्चियां गल्लां करन लग जांदा है कबू मोर धारी लावै ध्यान कहते भाई कदे
कदे कहते मौन रख लेंदा ये जीव कदे मौन ही बन जाता पाप बोलता ही नहीं भी हो सकता इतना रब मिल जावे कहो कहते भाई कदे तट तीर्थ इशनान कदे तीर्थां दे तट दा भाव किनारियां ते जाके इशनान करदा रहिंदा है कहो तट तीर्थ इशनान कहो सिद्ध साधक मुख ज्ञान कहते भाई कदे सिद्धा दी संगत करके रहिंदियां सिद्धियां वाला अते कदे साधक साधना करन वाला कहांदा है अते कदे मुख मुंह दे विचों ज्ञान दियां गल्लां करदा है सिद्ध साधक हो के मुंह तों ज्ञान दियां गल्लां करदा है इदां भाई ये आ हालत कहिंदे जीव दी अगे सतगुरु जी कृपा कर रहे ने कहिंदे भाई कबूल कीट हस्त पतंग होए जिया कहिंदे कदे भाई हाथी आदक कबू कीट कहिंदे कदे ये जीव कीट भाव कीड़े हस्त दा भाव हाथी पतंग दा भाव परवाने जो दीवियां दे उत्ते मचदे हन कहिंदे कबू कीट हस पतंग होए जिया अगे सतगुरु कृपा कर रहे ने कहिंदे अनक जोन भरमै परमिया कहिंदे भाई कदे अनेकां जूनां दे विच भरम दा है 84 लाख जून परमेश्वर ने बनाई है कहिंदे कई वारी कहिंदे जूनां च भटकदा फिरदा इह सच है भाई गल्लां बातां दे नाल कह सुन के गल नहीं जे बनदी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए वह रंगा इदां कहिंदे अनेकां जूनां दे विच इह भटकदा है ਬਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੈ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸੁਆਗੀ ਦਿਖਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਆਗੀ ਸੁਆਂਗ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਨਚਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਾਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਾਨਾ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਪਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸੁਹਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਨਚਾਵੈ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
नानक दूजा अवर ना कोई कहते दूजा संसार दे उते होर कोई पैदा नहीं होया जो मालिक दे परमेश्वर दी वाहिगुरु दे बराबर दा होवे। अगे सतगुरु कृपा कर रहे कहते कबू साध संगते पावे कहते कदे भाई ये जीव पुन्ना दा प्रेरिया होया साध संगत नूं पाउंदा है भाव सत संगत करदा है अथवा साधे हुए मन वाले पुरशां दी महापुरखां दी संगत नूं पाउणा करदा है उस स्थान ते मोहर ना आवे कहिंदे फिर उस स्थान ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਸਥਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਕਰ ਸੁਕਰ ਗੰਧਵ ਸਪਨ ਕਾਕ ਹੈ ਤੁਰਖਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੁਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੇ ਪੈਂਦੀ ਮੁਜਰੇ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਚਾਨਣ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈ ਲਈਏ ਗੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈ ਲਈਏ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੱਗਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਈਏ ਔਰ ਰਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਰੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ
सिखा तेरा जो गुरु है ना वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, तेरे धर्म के पिता गुरु कलगी धर पातशाह, धर्म के माता माता साहिब कौर जी, सारी मर्यादा पंज प्यारे दृढ़ करवाते हैं। जदों मन मन गया गुरु की कृपा हो गई, फिर अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, कहते भाई उस स्थान का कदे नाश, भाव विशेष करके नाश नहीं होता। अनपा नगर तहा सद जीव है, कहते हो स्थान कहते सदा ले, वैकुंठ नगर जहां संत वासा, कहते जिथे परमेश्वर के प्यारिया का रब दे प्यारिया का नाम जपण वालिया का वासा, जिस नगर दे विच जिस स्थान ते होवे कहिंदे ओह पूजण योग बन जांदा, उस स्थान का नहीं विनाश। दूसरा अर्थ इदां भी लै लईए, जिस हिरदे दे विच परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरु का वासा हो जावे सतसंगत, ओह हिरदा ओहदा कदे नाश नहीं होवेगा, वो जीव सदा लई अमर हो जावेगा। अंतर होए ज्ञान प्रकाश, अंदर जे कहते गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाए, उस स्थान का नहीं विनाश। सतगुरु जी कृपा कर रहे ने, कहते मन तन नाम रते एक रंग, कहते भाई जो जीव अंतिष्करण करके तन शरीर करके बाणी करके एक नामी परमेश्वर दे रंग दे विच आनंद दे विच तदाकार होए हन, मन तन नाम रते, मन विच भी तन दे विच भी परमेश्वर वाहिगुरु दा नाम वस गया। अगे सच्ची पातशाह कहिंदे एक रंगे, कहिंदे उस परमेश्वर परमात्मा दे विच नाम दे रंग विच अपने आप नूं रंग लिया। अगे सतगुरु कहते सदा वसै पार ब्रह्म कै संग, कहते वो परमात्मा पार ब्रह्म दे संग वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल अभेद हो जाता है, हमेशा उसके स्वरूप दे विच वसदा है। वसदा किवें है, किवें इकमिक हो जाता, ज्यों जल मैं जल आई कटाना, सतगुरु जी दसदे ने कहिंदे इदां भाई जिवें समुंदर दे जल दे विच पानी दे विच नदियां दे जल पानी आ के कटाना, भाव समुंदर दे विच मिल जांदियां ने ओह नदियां दरिया, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, कहिंदे इदां भाई ओह ज्योत जो वाहिगुरु परमेश्वर दे रंग दे विच रंगी हुई आ, वो जीव आत्मा परमात्मा दे विच इदां मिल जांदी है, ज्यों जल महे जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, कहिंदे इदां करके भाई वो वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा नाल जीव ज्योत कहिंदे उहदे विच समा जांदी है, उस स्वरूप दे विच लपता करके अभेद हो जाता है ए जीव। किवें, जिवें सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, कहिंदे इदां ही भाई ज्यों जल जल मह पैस नानक सह त्यों ढुर मिलियो जो लाहो, कहिंदे इदां भाई ओ ज्योत परमा ज्योत दे विच परमेश्वर दे विच अभेद हो जांदी है। अगे सतगुरु जी कृपा कर रहे हन, कहिंदे मिट गए गबन पाए विश्राम, कहिंदे उस दे ना 84 लाख जूना दे विच आउण जाण दे जो गबन सन चक्कर सन,
कहते वो भाई मिट गए, वो मिट गए नानक प्रभ कै सतगुरबान। कहते इदा भाई वाहगुरु परमेश्वर दे सतगुरु जी कथन करते हैं, कहते उस मालिक दे वाहगुरु तो मन वाणी शरीर करके हमेशा हमेशा करके कुरबान कुरबान बलिहारे जाते हैं। मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सत कुरबान। कहते उस मालिक दे वाहगुरु दे परमेश्वर दिया खेडा तो बलिहारे जाते हाँ, क्योंकि वह वाहगुरु परमेश्वर बड़ा बेअंत है, ओदा कोई अंत नहीं पा सकिया। सो आओ ये जीव आत्मा और परमात्मा दे विच ये जीव नू मिलाउण दा, क्योंकि जिस तरह समुंदर दा पानी दा जिहड़ा सेंटर है ना, वो समुंदर है, इसे तरह जीव आत्मा दा केंद्र परमात्मा है। पानी दा केंद्र समुंदर है, इसे तरह कहते जिस तरह नदियां दरिया चल के हजारों कोहां समुंदर च जाके अभेद हो जांदियां हन, उत्थे फिर नहीं पता लगता भी केड़ा जल केड़ी नदी चों आया, एक हो जांदा। इसे तरह ये जीव आत्मा वा परमेश्वर दे नाम दे विच अभेद हो जांदियां ने, जिहड़ियां नाम जप के अपने जीवन नूं अपनी जिंदगी नूं गुरु दे लेखे विच लाउंदे हन। जिहड़े भाई वाहिगुरु परमेश्वर तों बेमुख हन उहनां दे लई फिर 84 खड़ी है, फिर 84 तैयार है। इस करके मुक्ति दा दरवाजा सत संगत है, सत संगत दे विचों सोची लै के हौली हौली सहजे सहजे गुरु वल नूं कदम वधाउणे हन, फिर नाम जप के सेवा स्मरण करके सत संगत करके लोक सुखीए परलोक सुहेले जीव बना सकता है, जे गुरु दे हुकम विच चलेगा। सो भाई इत्थे समाप्ति करिए, सतगुरां दी कृपा सदका सुखमनी साहिब दी 11वीं अष्टपदी अज संपूर्ण हो चुकी है। सो इस तरह सतगुरु कृपा करना एक एक दो दो पदे सतगुरां दी बख्शी सोची अनुसार विचारन दा जतन करते हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु की संगत बख्शण हार है, कृपा करके बख्श लेना जी। मिट गए गगन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सत कुरबान, सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिला सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया बाचै धर्म दूर, करमी आपो अपनी के निर्णय के दूर, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत कार, नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत कार, नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुदिया के अरदास हमारी जियो, पिंड साहब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरे वडियाई कोई ना।